ओम तव कथामृतं तप्त जीवनं कविविरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। हम लोग देखे हैं कि भगवद गीता के जो अष्टम अध्याय के सप्तम श्लोक कितने महत्वपूर्ण है। यहाँ पर निरंतर स्मरण मनन के साथ कर्तव्य कर्म करने का भी निर्देश दिया गया है। एवं कर्तव्य कर्म करना क्यों जरूरी है, कारण उसमें हमारा बुद्धि का प्रयोग होगा। बुद्धि का भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में बड़ा योगदान चाहिए। तो हमारे जो मन बुद्धि शरीर इंद्रियां आदि है, इसको भली भांति समझने के लिए कठोपनिषद में एक इलस्ट्रेशन दिया है, उदाहरण दृष्टांत एक रथ का, वेरी फेमस इलस्ट्रेशन, आप सबको जानकारी होगा, लेकिन वो यहाँ पर उल्लेख करना ज़रूरी है। जो प्रथम अध्याय तृतीय बल्ली का तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ श्लोक 1, 3, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर कहा गया है, यमराज नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार समझाने के लिए, हाउ डू दे फंक्शन, व्हाट इज देयर इंडिविजुअल रोल, इसका क्या योगदान है, कैसे परिचालित होता है। कहते हैं आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च। इंद्रियानि हयान्नाहु विषयांस्ति च गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भुक्तित्ताहुर् मनीषिणः। तो हमारे जो आत्मा जीवात्मा हम लोग मालिक हैं, वो रथस्वामी है, एक रथ में बैठे हैं। रथ को उदाहरण दिया है, जो राइडर ऑफ द व्हीकल वो रथस्वामी है, वो है आत्मा जीवात्मा, और ये रथ है उनका शरीर। शरीर से रथस्वामी अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचेंगे। शरीर को भली भांति ख्याल रखना चाहिए कि शरीर से हम पहुँचेंगे। तो ये शरीर को आगे ले जाने के लिए जो कुछ घोड़ा चाहिए, घोड़ा का लगाम चाहिए एवं सारथी चाहिए। तो ये रथ का जो सारथी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन द ड्राइवर, बुद्धि है। यहाँ पर बुद्धि का योगदान है। बुद्धि के अनुसार रथ का गति निर्धारित होगा। रथस्वामी तो बोला डायना जाओ, बुद्धि बाएं तरफ ले जाएगा, गलत दिशा में पहुँचेंगे। तो बुद्धि है सारथी, एवं मन प्रग्रह में बचे, मन है जो लगाम, जो रथ को आगे भगाने वाला। इंद्रियानि हया ना हो, हय तत् अश्व, हमारे जो चक्षु कर्ण नासिका जीव तक पंच इंद्रियाँ हैं, और पंच अश्व के जैसे घोड़ा, घोड़ा इज द मेन फोर्स टू ड्रैग दी रथ, चैरियट, और चैरियट हमारा शरीर। हमारा शरीर को घोड़े लोग इंद्रियाँ जहाँ तक ले जाएगा हमको जाना पड़ेगा, और लेकिन वो घोड़े को संयत करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए जो
बोलगा है, लगाम है, रेंस है, वह है मन। मन अगर इंद्रियां को सही ढंग से उसको नियंत्रण कर सकें तब वो अश्व हमें बुद्धि का निर्देश अनुसार जहाँ जाए जाना चाहते ले जाएगा। तो इंद्रियां नहीं है ना हो विषयांस्ते से गोचर ना, ये कहाँ पर ले जा रहा है, जो विषय इंद्रिय के विषय है वो घोड़े का जाने का रास्ता, और आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भुक्तित्ता हूँ मनीषिणा। मनीषिणा जो विवेकवान व्यक्ति कहते हैं, ये हमारे बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि हमारा जो गति पर निर्धारित कैसे होगा, जस्तु अभिज्ञानवान भवति, चित्तेन मनसा सह, हमारा जो जिसका बुद्धि सही नहीं है, अभिज्ञानवान भवति, युक्ति न मनसा सह, जो बुद्धि दो किस्म होता है, एक सुबुद्धि एक दुर्बुद्धि। तो अगर जिसका बुद्धि सही नहीं है तो क्या होगा, तो उनका जो रथ सही ढंग से नहीं जाएगा। तो उनका जो इंद्रिया नहीं वो वश में नहीं होगा। तो इनका इंद्रिया वश में नहीं रहेगा और वो दूसरा जगह में चले जाएगा। और जस्तु विज्ञानवान भवति युक्ति ने मनसा सह, तस्तु इंद्रियानी वश्यानी सदस्वाय वशारते हैं। इसका मन जिसका बुद्धि अपने वश में नहीं है, सुबुद्धि नहीं है, बुद्धि सही होना चाहिए, तो उनका क्या होगा, जो इंद्रिया अवश्य नहीं वश में नहीं होगा। कैसे है, दुष्टाशाही व स्वार्थ है। अगर वो घोड़े हैं वो दुष्ट होगा, संजत नहीं होगा, इंद्रिय अगर असंजत होगा तो रात को इधर उधर ले चले जाएंगे, कभी सही ढंग से नहीं पूछेंगे। तो हमें जो हमारा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या ज़रूरत है, सबको वश में रखना, और वश में रखने वाला कौन है, बुद्धि। बुद्धि के साथ युक्ति कौन होगा, मन। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्ते न मनसा सह, तो इसीलिए जिसका मन निरंतर भगवान में युक्त है, युक्ते न मनसा सह, और जिसका बुद्धि, तब क्या होगा, मन अगर भगवान में युक्त होगा बुद्धि सही रहेगा। अगर बुद्धि और मन युक्त सही होगा, मन और बुद्धि का इसीलिए कहा गया है कि जो मई अर्पित मनोबुद्धि ही, जो मन और बुद्धि अगर मेरे पर अर्पित तो होगा तो हमें तो प्राप्त होगा ही, तो भगवान का प्राप्ति होगा। तो मन और बुद्धि को भगवत केंद्रित करने के लिए दोनों ही साथ साथ युक्त रखना पड़ेगा भगवान के साथ। यही बात हुआ, ये जो दृष्टांत से कहा गया है कि जो उसका बुद्धि को कहलाता है विज्ञानवान, सही बुद्धि है, इसको विवेकवान, कौन असत कौन सत विचार करते हुए वो बुद्धि हमें सही दिशा पर ले जाएंगे। गति चाहिए जो इंद्रियां देते हैं, दिशा चाहिए बुद्धि देते हैं। वो इंद्रिया के साथ बुद्धि का संयोग करते हैं मन, मन को संयत होना चाहिए।
तो मन को संजग तभी होगा जब मन निरंतर भगवान में युक्त होगा, नहीं तो मन विषय भी इधर उधर भगा देगा। अगर वो निरंतर वो ना चले, अगर हम वो घोड़े को छोड़ दें तो वैसे ही इधर उधर भगेगा, तो रथ को तो गिरा देगा। तो रथ को चलाना भी पड़ेगा एवं सही मार्ग से चलाना पड़ेगा, सही दिशा तक पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए सबको एकत्रित योगदान जरूरत है। इसलिए कहा है बुद्धि और मन एक साथ लगाना पड़ेगा, निरंतर कर्म करना पड़ेगा, निरंतर भगवान को शरण मनन करना पड़ेगा। जब इस प्रकार हम दोनों को एक साथ संयुक्त करके चलेंगे तब हमारा जो इस जो जीवन का जो हमारा जो लक्ष्य है वो अनिवार्य रूप से हम प्राप्त हो जाएंगे, कोई इसमें शक नहीं है। मई अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसी असंशय, कोई संशय नहीं है, श्योर शॉट। इसलिए कहा गया है कि नियतम कुरु कर्मोत्तम कर्म यह कर्मना, निरंतर कर्म करो। कर्म छोड़ देने से तुम्हारा मन इधर उधर चला जाएगा, मन चला जाएगा तुम्हारा इंद्रियां इधर उधर भागेगा। ये जो हयाना वो जो इंद्रियां है घोड़ा जो है उसको वश में रखना अत्यंत जरूरी, नहीं तो वो सर्वदा विषय के प्रति धावित होगा। इंद्रियां का जो रुचि है सर्वदा विषय के प्रति स्वाभाविक रुचि है, जो विषय के प्रति धावमान जो विषयांग से जो गोचरा वो अश्व को हम लोग संयत करके नियंत्रण करके किसके द्वारा, मन के द्वारा। मन नियंत्रित तभी होगा जब मन भगवान से संयुक्त है। मन को जब भगवान में हम समर्पित किया, निरंतर भगवान में स्मरण कर रहे हैं, तो वो मन से हमारे इंद्रिया सही मार्ग से चलेगा। अब कौन कहाँ पर जाना पड़ेगा बुद्धि बताएगी। सो हमारा बुद्धि भी निरंतर युक्त होना चाहिए, मन भी सक्रिय होना चाहिए, इंद्रियां भी सक्रिय होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, तभी हमारे शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। टूटा फूटा रथ से काम नहीं चलेगा। शरीर भी स्वस्थ करके मन बुद्धि इंद्रियां को संयत करके एकत्र करके इसे इंटीग्रेटेड सिंथेसाइज मूवमेंट, तभी क्या होगा, जो रथस्वामी है जो जीवात्मा है वो अनिवार्य रूप से आनंद सहकार अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। ये एक हमारे जीवन में स्वर्णिम अवसर है। ये सुंदर जीवन भगवान दिए हैं, ईश्वर दिए हैं, एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए ये स्वर्णिम अवसर भी हमें दिया है। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मार्ग जो उपाय जो छूट भगवान वो भी बता रहे हैं। अगर हम इसको सही ढंग से जीवन में अनुपालन करें तब जीवन में सफलता का कोई चूक नहीं रहेगा, अनिवार्य रूप से असंशय भगवान कहते हैं, गारंटी देकर होगा ही। लेकिन हमें सब कुछ पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एवं समझने के बाद उसी अनुसार उसको जीवन में क्रियान्वित करना पड़ेगा। वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस नॉलेज इन टू आवर लाइफ इन ऑर्डर टू बिकम ब्लेसेड एंड सक्सेसफुल इन दिस वेरी लाइफ। ये प्रसंग फिर श्री रामकृष्ण का जो बचनामृत है फिर भी आगे बढ़ाएंगे हम लोग, अगले दिन चर्चा अगले दिन होगा। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार के अवसर है लेकिन आज महापावन तिथि है, आज श्री श्री जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा पुरी में एवं अन्यत्र बड़ा उत्सव है। आज के दिन को ज्येष्ठी पूर्णिमा यानी स्नान पूर्णिमा भी कहलाता है।
पूर्णमासी होने के कारण आज श्याम नाम संकीर्तन होगी संध्या तिथि के बाद लखनऊ आश्रम में। शनिवार के काली कीर्तन के परिवर्त में आज श्याम नाम संकीर्तन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।